फिर से एक बार बारिश का दौर शुरू हो गया है, एक बार फिर से मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत हैं। 26 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा। रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चक्रवात के प्रभाव से 5 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भोपाल से ये खबर है। पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिर से एक बार शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, एक बार फिर से मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। भोपाल में जो स्थिति है उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग में भी भारी बारिश की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव से 5 दिन तक बारिश का दौर और जारी रह सकता है, ये जानकारी मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं, हवाई दौरे कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है आम लोगों का जिसे मदद की दरकार अभी भी है। एक बार फिर से मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। 26 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया सिस्टम, ऐसी जानकारी है। रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, इससे हालात और खराब हो सकते हैं। चक्रवात के प्रभाव से 5 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा, उससे स्थिति को काबू करने की जिम्मेदारी प्रशासन पर रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। चक्रवात के प्रभाव से 5 दिन तक बारिश होगी और उससे हालात और खराब हो सकते हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंत्रालय में मैराथन बैठकें हैं आज। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे शिवराज सिंह चौहान। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की समीक्षा बैठक सीएम करने वाले हैं। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की भी बैठक होगी। पशुपालन विभाग और किसान कल्याण विभाग की बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी, ये बैठक, मैराथन बैठकों का दौर आज चलेगा। शिवराज सिंह चौहान खुद बैठकों में शामिल होंगे और शिवराज सिंह चौहान जो बैठकें लेंगे उसमें देखना होगा कि किस तरह के फैसले किए जाते हैं। सीएम शिवराज सिंह की आज मैराथन बैठक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग की ये बैठक समीक्षा बैठक रहेगी। अभी तक जो कामकाज हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे भी कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से एक्शन में हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों में खुद हवाई सर्वे और नाव से वो जायजा ले रहे हैं। सीएम शिवराज ने देर रात तक हाई लेवल मीटिंग की है, इसमें मुरैना, भिंड, शोपुर कलेक्टर और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक की जिसमें कई अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम ने चंबल बेसिन में खाली कराए गांव और राहत कैंपों की जानकारी ली, साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा भी की। साथ ही मुरैना, भिंड, श्योपुर जिलों के कलेक्टर्स को अहम निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि साइंटिफिक असेसमेंट रखें, जलस्तर बढ़ने वाले गांव में अलर्ट रखें, बोट, हेलीकॉप्टर, भोजन, राशन, पेयजल की व्यवस्था की जाए, जनता को कोई तकलीफ ना हो। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैराथन बैठकों का दौर जारी है, देर रात तक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली है, हाई लेवल मीटिंग हुई है, बुधवार सुबह भी बैठकों का दौर जारी। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ पुनर्वास पर खासतौर से चर्चा हुई है, कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए हैं। जिन लोगों का पुनर्वास करना है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है और जिन लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है, कोई कोताही उसमें ना बरती जाए। भोपाल से ब्रजेश जैन जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, ये जो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है उससे नतीजे क्या निकल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए जिन्हें अभी भी मदद की दरकार है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को और खासतौर से जो सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से? देखिए, उड़ीसा साइड से जो चक्रवाती तूफान मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते दाखिल हुआ था, लगातार 3 दिनों तक बारिश
और तूफान आंधियां मध्य प्रदेश में चली, जिसके बाद जगह जगह जल भराव की समस्या आई। तेज बारिश के बाद लगातार मुख्यमंत्री पिछले चार दिनों से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्रालय में बैठक तो वे ले ही रहे हैं, लगातार ग्राउंड पर भी जा रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, बोट से लोगों के बीच जा रहे हैं, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड पर काम की तेजी जो है वो बनी हुई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टुकड़ियां हैं, स्थानीय प्रशासन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग योजना बनाकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बाढ़ग्रस्त इलाके जो अभी भी बचे हुए हैं, गंज वासुदा, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम के जो हिस्से हैं वो पहले से बाढ़ग्रस्त है, और उसके बाद राजस्थान साइड से जो डैम के गेट खोले गए उसके बाद ग्वालियर चंबल इलाके में भी बाढ़ आ गई है। भिंड मुरैना चंबल का जो आधा इलाका है वो बाढ़ग्रस्त है। कल मुख्यमंत्री यहां भी पहुंचे थे और इसके बाद जहां जहां अब पानी उतरने लगा है, जहां स्थिति सामान्य होने लगी है, उन गांवों में किसी तरीके की बीमारी ना फैले, फसलों का मुआवजा समय पर मिले, पशुधन हुआ है तो उसका मुआवजा मिले, पूरा सर्वे किया जाए, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, मकान डैमेज हुए हैं या जो भी दिक्कत आई है तो पुनर्वास में दिक्कत ना आए, इन तमाम बातों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें ले रहे हैं। कल भी उन्होंने बैठकें ली थी दिनभर और उसके बाद वे ग्राउंड पर उतरे थे, आज भी बैठकें ले रहे हैं। हालांकि आज विभागीय समीक्षा बैठक जो रूटीन बैठक है 6 विभागों की, उसके साथ बाढ़ और राहत कार्य का भी जायजा वे लेंगे, अपडेट लेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके हिसाब से नए निर्देश तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे सकते हैं। आज जो सेकंड हाफ में जो 3 विभागों की बैठक रखी गई है वो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग की रखी गई है। ग्राम पंचायत विभाग की बैठक कल होने वाली है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा फोकस सीएम का दिखाई दे रहा है, क्योंकि हवाई दौरा भी किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और जो जमीनी हालात हैं उसे लगातार समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे रूबरू हो रहे हैं। कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर लोगों को मदद की दरकार है और बैठक में जिस पर फोकस किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश हुई उसके बाद नर्मदा और बैतवा किनारे बसे हुए गांव और नगरों में ज्यादा बाढ़ की स्थिति देखी गई, वो प्राथमिकता में थे। लेकिन अब राजस्थान में हुई भारी बारिश के बाद ग्वालियर चंबल इलाके में काफी बाढ़ की स्थिति लगातार 2 दिनों से बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो गंज वासुदा और विदिशा के जो इलाके हैं उनमें अब पानी छंटने लगा है, पानी नीचे उतरने लगा है, स्थिति सामान्य होने लगी है। हालांकि पूरी तरह स्थिति ठीक होने में अभी थोड़ा 4-5 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता अभी ग्वालियर चंबल, भिंड मुरैना, इन इलाकों की है, शिवपुरी की है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो है वो अभी भी बाढ़ग्रस्त है, गाँव में लगभग 6-6, 8-8 फीट तक पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि तमाम इलाकों में समुचित व्यवस्थाएं करने के, लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है, लोगों को जो कैंप में रखा जा रहा है उन कैंपों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, खाने पीने की लोगों को दिक्कत ना आए, हेलीकॉप्टर से भोजन के पैकेट गिराए जा रहे हैं। जिन इलाकों में स्थिति थोड़ी सामान्य है लोग जहां घरों में रह सकते हैं, तो कुल मिलाकर एक्टिव मोड में सरकार नजर आ रही है और तमाम कई मंत्री जो देखें एक के बाद एक बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। तो मंत्रियों को भी ये निर्देशित किया गया है, विधायकों को भी कहा गया है कि वे अपने अपने इलाकों में पूरे जो राहत कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा जरूर करें। जी, अभी जो मीटिंग आज होने वाली है ब्रजेश, उसको लेकर के भी जानकारी दीजिए। शिवराज सिंह चौहान तो मौजूद रहेंगे ही, कल भी उन्होंने मैराथन बैठकें ली, और कौन कौन से अधिकारी या विभागों के मंत्री उसमें मौजूद रह सकते हैं? देखिए, 6 डिपार्टमेंट की जो आज समीक्षा बैठक है, वैसे तो वो रूटीन बैठक है जो 3 महीने में एक बार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। कल भी 2 विभागों की बैठक की थी, आज 6 विभागों की बैठक है। लेकिन रूटीन के कामकाज के अलावा बाढ़ और राहत के काम का जो सिलसिला है वो भी प्रमुख एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाला है। तमाम विभागों के मंत्री, उनके सीएस, एसीएस और बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विभागों के कामकाज के बारे में अपडेट सीएम लेंगे सिलसिलेवार तरीके से। हर एक बैठक के लिए, हर एक विभाग के लिए 40 मिनट का समय तय किया गया है और आगे की योजना बताई जाएंगी कि किस तरीके से वो डिपार्टमेंट जो पेंडिंग वर्क्स हैं या आगे के जो लक्ष्य हैं 3 महीने के वो किस तरह पूरे कर सकते हैं, उसको लेकर सीएम कई नए निर्देश इनको दे सकते हैं। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि और भी आगे हालात खराब हो सकते हैं, बारिश कई इलाकों में और हो सकती है और चक्रवात की वजह से बारिश होगी और उसकी वजह से हालात जब खराब होंगे तो जाहिर है कि प्रशासन पर बोझ बढ़ जाएगा। पहले से ही भोपाल समेत जो आसपास के इलाके हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाके, वहां पर बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। आगे जो हालात की ओर इशारा किया गया है मौसम विभाग की ओर से, उसको लेकर क्या तैयारियां?
बिल्कुल, देखिए अभी जो चक्रवाती तूफान आया था वो उड़ीसा यानी दक्षिण साइड से आया था और अब पूर्व साइड से यानी कि बंगाल की खाड़ी से एक तूफानी चक्रवात बन रहा है जो मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद प्रवेश करेगा। अगर ये मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कहर बरपाता है, पूरा उसका प्रभाव पड़ता है, तो काफी दिक्कतों का सामना मध्य प्रदेश के लोगों को, सरकार को करना पड़ सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उड़ीसा साइड से जो तूफान आया था। नजर बना के रखिएगा ब्रजेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।